धार्मिक ज्ञान सीखने की इस लड़ी में हम पांचवा सूत्र इरियावयम सूत्र सीखेंगे। जीवन शुद्धि करने के लिए प्रथम पाप दूर करना आवश्यक है, अतः इस सूत्र में मार्ग में चलते हुए हिंसा जनित पापों की माफी मांगी गई है। इसमें किन किन जीवों की विराधना हुई है इसका वर्णन है। इच्छा कारण संधि सह भगवान इरिया वह्यम पड़िक मामी इच्छम इच्छामी पड़िक मीम इरिया वह्याय विराहणाय गमणा गमणे पाणक कमणे बियक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जे में जीवा विरहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाया संघटिया पर्याविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ वव्रोविया तस मिच्छामि दुक्कड़म। अर्थ: हे भगवान, आप अपनी इच्छा से आज्ञा दें जिससे कि मैं इरियापथी की क्रिया का प्रतिक्रमण करूं। इच्छम आज्ञा प्रमाण है। इरियापथ संबंधी रास्ते पर चलने आदि से होने वाले पापों के विषय में प्रतिक्रमण करने के लिए इच्छा करता हूँ। जाने आने में प्राण के आक्रमण में बीज के आक्रमण में हरित वनस्पति के आक्रमण में और हिम चीटी के बिल पांच रंग की काई फुगी पानी मिट्टी मकड़े के जाल इन सबों के आक्रमण दबाने दुख पहुंचाने में जो जीव मुझसे दुखित हुए हैं, एक इंद्रिय वाले दो इंद्रिय वाले तीन इंद्रिय वाले चार इंद्रिय वाले पांच इंद्रिय वाले जीवों को चरणों से मारे गए हों, दूलों से ढाके गए हों, पृथ्वी पर घसे गए हों, इकट्ठे किए गए हों, स्पर्श किए गए हों, कष्ट पाए हुए हों, खेदित हुए हों, भय त्रास पाए हुए हों, एक जगह से दूसरी जगह रखे गए हों, जीवित से अलग किए गए हों, इनसे उत्पन्न मेरे पाप मिथ्या निष्फल हो। जय जिनेंद्र, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म सीखने की इस लड़ी में अपना योगदान दें। जय जिनेंद्र।